अरे रुको रुको रुको, अरे भाई छोड़ के भाग रहा है मेरे को। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो भैया अभी टाइम हो गया है यहाँ से जाने का। अभी हम इस ज़ोनोबोटो में नागालैंड और यहाँ पे हम रात को सोए थे भैया के यहाँ पे। बहुत बहुत मज़ा आया यार यहाँ पे रह के। दो दिन हम ज़ोनोबोटो में थे, खूब सारा एंजॉय किया और अभी चलो जाते हैं। लाइट अब आ गई है, लेट्स गो। और ये देखो यार कितना ब्यूटीफुल यहाँ का नज़ारा है, सुबह सुबह उठ के इतना प्यारा हमको नज़ारा मिलता है। और यहाँ पे हम सब रात को भैया बहुत पार्टी वगैरह की थी, बर्थडे सेलिब्रेट किया था हमने, दीदी थे उनका। तो यार कह सकता हूँ सच में बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। और जो भैया है यहाँ के लोग हैं बड़े अच्छे हैं यार, बहुत मज़ा आया। ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ये इस स्कूल की है, कॉर्नर स्टोन स्कूल। और इसी स्कूल में जो हमारे मेरे फ्रेंड है वो पढ़ाते हैं। और आप मानोगे अभी कितनी बजी है, सिर्फ 7:15, क्योंकि आज हम उठ गए थे भैया 6:00, क्योंकि आज हमको बहुत लंबा सफ़र तय करना है और रास्ता आपको पता है ख़राब है बिल्कुल। तो लिफ्ट वगैरह मिल भी गई तो भैया रास्ता इतना ख़राब, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जाने में, इसी वजह से लेट्स सी कहाँ तक आज हम पहुँच पाते हैं। और देखो मकान बड़े प्यारे हैं यार यहाँ के। आगे तक छोड़ दोगे, कहाँ तक जा रहे हो आप? ये टाउन तक ही जा रहे हो? बस टाउन तक जा रहे हैं, चले चलो एक बार ओल्ड टाउन तक तो जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम ज़ोनोबोटो नागालैंड। और ये पहली बार हुआ है कि 7:15 मैंने लिफ्ट ले ली है। ओके बाय बाय, थैंक यू। तो यार दीदी बोल रहे थे कि हम 20 किलोमीटर आगे और जा रहे हैं, अगर आप चाहो तो आप रुक सकते हो, थोड़ी देर के बाद ये वापस रवाना होने वाला है। लेकिन फिर देखो आप किस तरीके से आइए, तो आपने देखा ही देखा, बैग भी रखेंगे ना तो बहुत गंदा हो जाएगा और दूसरा यार फिर दिक्कत रहेगी जाने में, क्योंकि रास्ता बड़ा ख़राब है। तो हम सोच रहे हैं क्या पता कोई कार में अगर लिफ्ट मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर और कोई दूसरी गाड़ी आएगी तो, या फिर यही गाड़ी जब वापस आएगी इसी में बैठ जाएंगे, है ना। तो चलो यार, तो ये अच्छा है कि दिन की शुरुआत आज हमारी बहुत जल्दी हो गई है। लेट्स होप कि आज हम अपने टाइम पे पहुंच जाएं। हमको आज जाना है चोजोबा और वो है भैया करीब 70-75 किलोमीटर। लेट्स सी कितना कवर कर पाते हैं। और यहाँ पर है भैया एक और बाप्टिस्ट चर्च, ज़ोनोबोटो टाउन सुमी बाप्टिस्ट चर्च। तो ये जो ज़ोनोबोटो है यहाँ पर मोस्टली सुमी ट्राइब के लोग हैं वही रहते हैं, और बाप्टिस्ट में बिगेस्ट चर्च वो यहाँ पर ज़ोनोबोटो में। सो यार ज़ोनोबोटो मेरे को तो बहुत पसंद आया, ठंडी जगह है, हिल स्टेशन है, अच्छे खासे यहाँ के विलेजेज है, तो आपको विज़िट करना चाहिए ज़ोनोबोटो। रास्ता थोड़ा सा ख़राब है ये मैं कहना चाहूँगा आते समय, लेकिन मज़ा आएगा। धुएँ निकल रहे हैं मुँह से, ठंड बहुत ज़्यादा है। देखो पूरे बादल बादल हो रखे हैं यार, एकदम फर्स्ट क्लास भैया। ये अभी 2 किलोमीटर तक आगे आ गए हैं चल चल के। और ये देखो यार पार्किंग कितनी अच्छी है, कार खड़ी हुई है पार्किंग में, नेचुरल पार्किंग। और बिल्कुल नीचे लट्ठे हैं, लट्ठे खतरनाक पार्किंग बना रखी है यार कार के लिए। आई डोंट थिंक, यू डोंट थिंक, एक्चुअली वी आर ट्रेवलिंग फॉर होल नॉर्थ ईस्ट, 1 month ऑलरेडी कम्प्लीटेड एंड बाय लिफ्ट ओनली, वी विल जस्ट ट्राई फॉर लिफ्ट एंड वी विल गेट। थैंक यू सर, जस्ट गिव मी बेस्ट ऑफ लक। ओके बाय, या थैंक यू सर। भैया यहाँ पे हमने अभी चाय वाय पी ली और अभी निकलते हैं आगे के लिए। और आप मानोगे नहीं अभी सिर्फ 8:00 हैं, तो यार जल्दी उठने का एक बात है, फ़ायदा तो है। तो नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे हम जल्दी उठेंगे। एक बार मेरी आदत पड़ गई ना, दो दिन उठ गया जल्दी, तो फिर मैं जल्दी उठ जाऊँगा। जल्दी उठने से ये होता है कि यार रात को ना मतलब अंधेरा नहीं होगा और जल्दी हम टाइम पे डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, तो थोड़ा एक्सप्लोर वगैरह भी कर सकते हैं। तो अभी बस ये सिटी लगभग ख़त्म है, ये 0 पॉइंट है,
और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हाईवे, थोड़ा आगे जाके हाईवे स्टार्ट होगा। हाईवे काहे का यार, नाम का हाईवे है, वही कच्ची रोड, मतलब वही एक रोड जाएगी बस, तो उसको हाईवे कहते हैं, ये समझ लो आप। रात को मैं सोया था यार करीब 2 बजे, और सुबह उठ गया यार करीब 5:30 बजे। एडिटिंग भी भैया कई बार रात रात भर एडिटिंग करनी पड़ती है, तो भैया सपोर्ट करो यार और लोगों में शेयर कर दिया करो, ताकि लोग भी हमारी जर्नी को देख सके और नॉर्थ ईस्ट के बारे में जान सके, या फिर हम कैसे घूम रहे हैं तो लोगों को भी पता चले कि कैसे होते हैं नॉर्थ ईस्ट के पीपल। कई लोग बोलते हैं सेफ्टी के हिसाब से कि नॉर्थ ईस्ट भाई सेफ़ नहीं है, ये नहीं है, वहाँ पे दिक्कत होती है, लोग वगैरह सपोर्टिव नहीं होते हैं। भैया मैं सच बता रहा हूँ आपको, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जितना एक्सपीरियंस हमारा है आप देख सकते हो, लोग बहुत सपोर्टिव है यहाँ पे, बहुत अच्छे से लोग मतलब बिहेव करते हैं, फ्रेंडली लोग हैं, बस थोड़े से रिजर्व होते हैं फर्स्ट में। स्टार्टिंग में अगर आप बात करोगे तो एकदम से टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब बात कर ली, हाय हेलो हो गया, उसके बाद भैया बहुत अच्छे से बात होती है और बहुत अच्छे से वो अकोमोडेट भी करते हैं। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में मोस्टली जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस जैसा भी होता है, बैड होता है, अच्छा होता है, हम सब आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप उससे आप कुछ सीख सकते हैं, बस उसी से आप देख सकते हैं और एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है वो टूरिस्ट के साथ या लोगों के साथ मतलब रिएक्ट करते हैं, बिहेवियर करते हैं। और सच बताऊँ इस पूरे ट्रिप पे मुझे तो नागालैंड में सबसे ज़्यादा मज़ा आया है, क्योंकि नागालैंड के अंदर लोग भी बहुत अच्छे मिले हमको, और मतलब क्या बताएं यार, कुछ बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस। अगर आपने सारे व्लॉग देखे तो आपको पता होगा, बस एक सेफ्टी का ध्यान रखना, जैसे कुछ इलाके ऐसे होते हैं, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो बॉर्डर साइड वाले हैं, वहाँ पे आप कोशिश करें कि ना जाएं, जितना हो सकता है वहाँ से बचें, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, नक्सलवाद वगैरह भी थोड़ा वहाँ पर है, मिलिटेंट पीपल भी वहाँ पे थोड़े बहुत होते हैं, तो इस वजह से वो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर उसको स्किप कर दो आप, अदरवाइज़ यार बेस्ट है नागालैंड, बेस्ट है नॉर्थ ईस्ट। थैंक यू भैया, थैंक यू, बैठते हैं बैठते हैं, टंकी वाली गाड़ी है यार। तो भैया आपने अगर खतरों का खिलाड़ी का सीजन मिस कर दिया हो तो हमारा ये वीडियो देख लेना, आपको वही फीलिंग आएगी। अरे भाई खतरनाक एक्सपीरियंस है यार, देखो इतना भारी बैग लेके करीब 4-5 किलोमीटर की हमको लिफ्ट है और रास्ता बड़ा ख़राब है, बड़े मुश्किल से जा रहे हैं हम। आई होप के अरे बाप रे, हमारा ये टास्क, अरे भाई 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 भाई, हमारा ये टास्क अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अरे खतरनाक एक्सपीरियंस है यार ये तो। ओ भाई भाई भाई, चलो चलो कैमरा बंद करता हूँ यार, नहीं तो या तो मैं गिर जाऊँगा या कोई ना कोई गिर जाएगा। अरे भाई बैलेंस बनाना बहुत भारी पड़ रहा है। हाँ मज़ा आया ना, अच्छी रोड आ गई अब, शानदार वाली, अब ठीक है यार, अब मज़ा है भाई, अब थोड़ा आराम से जा सकते हैं। आई होप कि ये रोड ऐसी सही हो। आ जाओ भैया आ जाओ। तो भैया ने बोला है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं, 5 मिनट में वापस आएंगे डीजल खाली करके, बोल रहे हैं कि आप रुक जाओ तो मैं वापस लेके चले जाऊंगा और आगे। देखते हैं लिफ्ट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर रुके रहेंगे और क्या करें। बैलेंस बनाना, फिर एक हाथ से पकड़ना और एक हाथ से शूट करना, बड़ा भारी काम है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप देख सको कि कितना एडवेंचर होता है इस तरह से राइड करने में। चलो मिलते हैं भैया थोड़ी देर बाद। तो फाइनली वापस भैया ही आए हैं, क्योंकि हमको तो लिफ्ट मिली नहीं, तो चलो बैठते हैं इसमें। अभी थोड़ा प्रॉपर तरीके से बैठ जाता हूँ यार, या तो उतार देता हूँ बैग। तो गाइस नीचे ना पूरा गीला हुआ है, तो बैग तो अभी भी नहीं उतार पाऊँगा मैं, क्योंकि उतार देता हूँ पहले तो कैप उड़ जाएगी मेरी। अभी सबक ले लिया है मैंने, कैप उतार देता हूँ। एक अच्छी बात है, रोड बहुत ही प्यारी है, तो हो सकता है हमारी जर्नी स्मूथ हो जाए। बाय बाय भैया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और भाई यार ये मेरा टेंट है ना, गिर चुका था यहाँ पे सच में, क्योंकि गाड़ी चल रही थी भाऊं भाऊं, भैया पीछे से गिर गया, लेकिन अच्छा हुआ कि ये मेरे इस गाड़ी के अंदर ही गिरा था, पीछे भी गिर सकता था भैया, सच में पीछे गिरता, सोचो मेरा पूरा 1 महीना है अभी, पूरा खराब हो जाता, क्योंकि ये टेंट है ना, इसके बिना सो भी नहीं सकता था मैं। तो किस्मत थी यार के अंदर ही गिरा ये। हो चलो भैया बाय बाय, ठीक है कितना किलोमीटर कितना होगा पता नहीं, पता नहीं, चलो आगे तक छोड़ देना। अभी आराम से मस्ती से जा रहे हैं भाई लोगों के साथ, मजे करते हुए। नागालैंड बॉयज आर हियर, आई एम आल्सो नॉट लुकिंग लाइक भाई, लगता हूँ ना मेरे को, बहुत लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट कैसा लगता हूँ, तो भैया सब एक ही है यार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया सब अपना ही है ना, इंडियन ही है सारे,
तो बढ़िया है, गुड। अगर मैं नॉर्थ इंडिया से लगता हूँ, दैट्स ग्रेट। चलो अभी मजे करते हुए चलते हैं अभी। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे। तो चलो यार आ गए, करीब 5 किलोमीटर आए हैं, अभी आगे निकलते हैं। और देखो यार बैग कितना गंदा हो जाता है हमारा इस वजह से, पर ये कवर है ना तो दिक्कत नहीं है, गंदा भी हो गीला भी हो फर्क नहीं पड़ता है भाई। लिफ्ट नहीं मिलती है तब तक थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, दिखाते हैं आपको यार देखो गांव की खासियत वगैरह। सो दिस इज सोजे विलेज और यहाँ पे भैया क्रिसमस की तैयारी, मतलब छोटे से छोटा गाँव भी होगा ना वहाँ पे भी क्रिसमस के हिसाब से बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। ये देखो टायर से बनाया हुआ है स्माइली, क्या प्यारा लग रहा है यार, शानदार लग रहा है। और ये देखो आप, और मतलब एंट्री गेट होगा उस पर भी मैरी क्रिसमस वगैरह कुछ तो ऐसे लिखते हैं, कोई भैया टायर वजह से गुब्बारे वगैरह से भी डिज़ाइन दे देते हैं। तो मैं काफ़ी नोट किया है मैंने ये, जब से मतलब काफ़ी सारे बीच में छोटे बड़े विलेज आ रहे हैं ना, हर विलेज में इस तरीके से एंट्री पे होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है यार यहाँ पे कि क्रिसमस का सेलिब्रेशन सबसे बड़ा होता है यहाँ पर। और देखो सब लोग भी एंजॉय करते हैं मस्ती से, तो यार अच्छा है, हमारी खुशनसीबी भी है कि हम क्रिसमस टाइम पे यहाँ पे आए हैं, सही है। कहाँ जा रहे हो दीदी, कहाँ जा रहे हो, कपड़े धोने? हाँ, कपड़े धोने के लिए। अच्छा अच्छा, क्या इधर है क्या कुछ वो? हाँ, इधर है। तालाब वगैरह है क्या कुछ? हाँ, तालाब है। हैं? हाँ, नीचे में होता। कितना दूर है? ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। हम जोधपुर राजस्थान। तो भैया तालाब है, तालाब देखते हैं ना, हम मन करता है मेरा कि चला जाऊं नहा लूं, लेकिन अभी ना यार, अभी तो निकलना है आगे की तरफ, और कभी देखेंगे, मिलते रहते हैं यहाँ पे तो छोटे मोटे तालाब वगैरह है ना भैया। तो भैया आपने वीडियो शुरू से देखा है, आपको पता है उस समय जब भैया थे, भैया से लिफ्ट मांगी थी, भैया ने कहा मैं गाँव जा रहा हूँ और फिर गाँव से वापस आऊंगा तब आपको पिक करूंगा, और भैया वाकई में आ गए। भैया कहाँ तक जा रहे हो? कोहिमा। कोहिमा तक जा रहे हो, तो जोजोबा तो रास्ते में ही है ना, वहां तक छोड़ दोगे ना डायरेक्ट? चलो यार बहुत अच्छा हो गया, थैंक यू भैया। चलो बैग वैग लेते हैं, गाड़ी भी अच्छी और अपना रोड भी बिल्कुल क्लीन है तो मजा आ जाएगा, जल्दी हम जोजोबा पहुंच जाएंगे तो अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। चलो निकलते हैं भैया। तो गाइज अभी हम रुके हैं सथाका टाउन में और ये है फ्रीडम फाइटर यहाँ के जनरल कायतो सुखाई। सो इनका ये मॉन्यूमेंट वगैरह यहाँ पे बना रखा है और भैया ने रोका है स्पेशली, 1933 में डाइड हुए थे जनरल कायतो। ही इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट सथाका ट्राइबल काउंसिल, आल्सो वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर। हां हां, फ्रीडम फाइटर भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट। और इनका जन्म हुआ था 22 मई 1933 और डाइड हुए थे 4 अगस्त 1968 को। ये है जे कुगातो सुखाई। अब वापस जाते हैं हम। तो भाइयों अभी रुकावट के लिए खेद है क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है, ये मिट्टी यहाँ के हटा के यहाँ पे लाई जा रही है तो थोड़ा सा रास्ता क्लीन होगा, टाइम लगेगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है, उसके बाद में आगे की ओर बढ़ेंगे। पर एक अच्छी बात है कि यहाँ पे काम चल रहा है यार नागालैंड में, मतलब जो भी रोडें हैं उन पर बहुत अच्छा खासा काम चल रहा है, रोडें अच्छी खासी बनाई जा रही है, दिस इज़ द गुड थिंग। थैंक यू सर, थैंक यू, हमको जगह दे दी यार पहले उन्होंने। तो जैसा कि आप देख सकते हो पूरे रास्ते पे काम चल रहा है, इसी वजह से थोड़ी तो दिक्कत होगी, लेकिन ये अच्छी बात है कि कुछ वक्त बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छी रोड होगी और लोग आराम से आ जा सकेंगे। तो भैया अभी जस्ट पीछे एक विलेज गया, मैं दिखा नहीं पाया आपको, लेकिन वो विलेज है लास्ट सुमी विलेज। जिनोबोटो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और अभी यहाँ से स्टार्ट हो रही है भैया पैक डिस्ट्रिक्ट। और चकसंग ट्राइब है ना भैया? हाँ, पैक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं चकसंग ट्राइब। हमारी ऑलरेडी दीमापुर हो गया, कोहिमा हो गया, वोखा हो गया, मोकोकचोंग हो गया, जिनोबोटो हो गया और छट्टी पैक डिस्ट्रिक्ट हमारी छट्टी डिस्ट्रिक्ट है। और टोटल डिस्ट्रिक्ट भैया 11 है ना अपने इधर नागालैंड में, 11 टोटल डिस्ट्रिक्ट है। मेरी तो भैया अभी छठी हो गई है। चलो अच्छी बात है यार, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट भी नागालैंड में करूँगा, लेकिन मज़ा आ रहा है नागालैंड के अंदर और आपको अभी तो और भी नागालैंड में काफ़ी कुछ दिखाने वाला है। तो यहाँ पे रास्ता पूरा ब्लॉक था, अभी रास्ता खुला है, अभी जा रहे
अरे रुको रुको रुको, अरे भाई छोड़ के भाग रहा मेरे को क्या। अरे भैया बड़ी मस्ती करते हो यार आप भी। लेके नहीं जाना है क्या मेरे को? ए यही छोड़ दो क्या? नहीं 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 ऐसे नहीं। चलो चलो बढ़िया है भाई, भैया के साथ यार बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है सच में, खूब मजे कर रहे हैं, मौज मस्ती करते हुए जा रहे हैं यार। तो भैया इसलिए कहता हूँ आ जाओ नागालैंड में, खूब मजे आएंगे आपको। सो गाइज यहाँ पे हमने लिया अभी एक पी ब्रेक, और अभी प्लान में हो गया भैया चेंजेस, बड़ा चेंजेस है, क्योंकि हमको जाना था वैसे तो जो जोजुबा जोजुबा जो टाउन था हमको वहाँ जाना था, हम वहाँ पहुँच भी गए थे बहुत पहले, लेकिन हमने जब देखा ना यार वहाँ तो टाउन था, विलेज जैसे फीलिंग हमको नहीं आ रही थी, और दूसरा यार रास्ता भी इतना ख़राब है, सुबह से कुछ खाया नहीं तो मेरे को भी थोड़ा वॉमिट जैसा ऐसा फील होने लगा। तो मैंने कहा छोड़ो जोजुबा को, अपन चलते हैं भैया आगे, भैया जा रहे हैं डायरेक्ट कोहिमा तक। तो मैंने कहा अच्छी लिफ्ट मिली हुई है तो क्यों ना डायरेक्ट कोहिमा जाया जाए। तो बस अभी ये प्लान है कि सीधे आप कोहिमा ही जाएंगे, वहीं जाके रुकेंगे, और जोनोबोटो से कोहिमा जो है उसका रास्ता भैया करीब 130 किलोमीटर। तो आज हम 130 किलोमीटर करने वाले हैं, और हो सकता है इवनिंग से पहले पहले हमारा हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि एक तो भैया गाड़ी अच्छी चला रहे हैं, दूसरी बात हम सुबह उठे जल्दी 5:30 बजे, इस वजह से। तो यार सोचना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठेंगे ना तो सही है, लिफ्ट भी सुबह सुबह जल्दी मिल जाती है, क्योंकि लोग जाते हैं काम पे तो लेके चले जाते हैं। तो चलो अभी ठीक है यार, पाँव दुखने लग गया यार, जगह बहुत कम है यहाँ पीछे पीछे ना, देखो जगह बहुत कम है, एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। कोई 5 घंटे बाद भैया कोई में हम पहुँचे हैं। आज जो हमें लिफ्ट मिली उसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है भैया को, कि भैया ने हमको बहुत जल्दी पहुँचा दिया, वरना तो हम कल पहुँचने वाले थे भैया, कल शाम तक यहाँ पहुँचते कल शायद। चलो भैया थैंक यू सो मच। हाँ ओके टेक केयर, फिर मिलेंगे श्योर श्योर। और देखो यार गाड़ी का क्या हाल हो गया, खतरनाक मिट्टी वगैरह हो गई, क्योंकि पूरा रास्ता बहुत ख़राब था यार। पर चलो कोहिमा आ गए, अभी खाना ना खाएंगे यार, बहुत भयंकर भूख लग रही है। तो चलो अभी चलते हैं, फिर देखते हैं आज का इंतजाम कहाँ होता है रहने का। कैसे? अच्छे। उम्मीद किया था हम वापस आएंगे? नहीं नहीं किया ना।